ऑल्टो है और 660 टर्बो और मतलब काफी अच्छी ट्यून्ड है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक, आप सुनाए क्या हाल चाल है? ओए होए होए यार, बाकी गाड़ी फुल फील कराती है प्रॉपर। तांग बॉयज, तो क्या हाल चाल है? वेलकम बैक टू द व्लॉग। आपके भाई को आज फुल फ्लू लगा हुआ है, बुरा हाल हुआ है। और आज का सीन ये है कि आपने टाइटल देखा ही है, वाजिद भाई आए हैं और उनका भी यूट्यूब चैनल वगैरह है। उनकी ऑल्टो है और 660 टर्बो और मतलब काफ़ी अच्छी ट्यून्ड है। सुना तो बहुत है गाड़ी के बारे में, तो आज मैंने भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करना है गाड़ी को, तो आपको भी करवाते हैं साथ ही। और भाई मेरे यहाँ से बाहर आ गए हैं, मैं आपसे बातें कम ही करता हूँ, उनसे आके मिलता हूँ अच्छा नहीं लगता, तो अभी चलते हैं उनसे मिलते हैं और आपको चेक कराते हैं उनकी गाड़ी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक, आप सुनाए क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है, और ठीक ठाक। अब जबरदस्त दोस्त, माशाल्लाह गाड़ी का कलर बड़ा मजे का यार, दूर से ना आई कैचिंग कलर है, बेहतरीन। बाकी वो अमान वगैरह आ रहे हैं तो उनके साथ फिर निकलते हैं। मेरी गाड़ी तो बहुत गंदी है, उस दिन की 3-4 दिन से खड़ी है। करवानी भी वॉश? हाँ, उसको करवा लेते हैं ना, उतनी देर में धूप भी कम हो जाएगी, पिक्चर्स भी अच्छी आ जाएंगी। ये जी अमान साहब भी आ गए हैं, ये क्या हरकतें कर रहे हैं? यार भाई इससे कोई छोटी नहीं भाई, जंग करने लगे हो तीनों आपस में एक दूसरे की तरफ। क्या सलमान कहाँ पे? घर पे। उसने नहीं आना? नहीं फिलहाल, तो गिरा हुआ है, कोई हाल नहीं है, देख के ढह गया मुंडा। उससे को कंटेंट बनाने के लिए निकलना पड़ेगा भाई। लाई स्लीपर नहीं, स्लीपर तो नहीं कह सकते इसको। क्या बात, नहीं स्लीपर वैसे लोग गैस को जैसा भी कर लोगे, ये लगता है कि क्या कर लेगी यार, क्या ही कर। हाँ ये तो है, अभी रास्ते में आते काले फोर्चून का थोड़ा सा किया मजा। अच्छा लो जी यार, गाड़ी वॉश करवाने आ गए हैं। बाकी यहाँ तो फुल रश लगा हुआ है यार, ये क्या साहब है, पता करते हैं क्या सीन है। अस्सलाम वालेकुम, यार गाड़ी वॉश करवा दी है, कितना टाइम लग जाएगा? ये गाड़ी भाई आ रही है। कौन सी गाड़ी? ये किया। चलो ठीक है, वो जल्दी कराते हैं सर, दोनों करनी है, यही करनी है सर। गाड़ी लगा दी हमने, ये वॉश वगैरह होती है, उसके बाद निकलते हैं जाके लोकेशन पे, देखते हैं क्या सीन है। यार गाड़ी सारी वॉश हो गई है, बस यहाँ से निकलते हैं और जाके देखते हैं कपड़ा कहाँ छोड़ दिया इसको, तो पीछे फेंको। गाड़ी सारी तो ओके हो गई है, टाइम कम रह गया, अफ्तारी का सीन भी होने वाला है, उससे पहले पहले हमने करना है ओके सारा, कोई आधे पौने घंटे में थोड़ा घर पहुंच के जरा सीन करते हैं ओके। बस यार लोकेशन पे पहुंच गए हैं, लाइनअप खड़ा कर दिया, आप चेक कर सकते हो, ये पहले व्लॉगर की गाड़ी है, दूसरे की और ये तीसरे की। पहला व्लॉगर थे वहां नाजरीन, पहला व्लॉगर पहले व्लॉगर की पहली गाड़ी, लाओ दूसरा व्लॉगर। पहला बुरी गल तो करन दे, बेशरम आदमी, गजब बेइज्जती है। लाओ ही नाजरीन, चाचा गुस्से चाह गया, चाचा जी गुस्से में है फुल, चाचा समोसे ले आ गया है। नहीं नहीं पलियां ले आ गया। डिस्क्रिप्शन में ईमान का चैनल है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हां इनको भी एंजॉय कराओ थोड़ा। और बाकी ये हमारे भाई हैं वाजिद भाई, इनका भी चैनल है, इनके चैनल पे आपको पता लग गया मैं गबरू भाई होता था लगा। गबरू भाई, गबरू भाई, सब गबरू भाई। अच्छा मैंने खुद गबरू भाई सेव किया हुआ है कॉन्टैक्ट। तो ये भाई हैं, इनका ये सीन है कि इनका भी चैनल है, इनके पास ऑल्टो का आपको टर्बो चार्ज ट्यून्ड ऑल्टो है माशाल्लाह, इनकी आपको चेक कराते हैं, तो इनका फोन कंटेंट है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक। हाँ जी साइकिलिंग हो रही है, इंजॉय। ये भी टर्बो चार्ज है, ये देखें टर्बो लगा हुआ इसके अंदर ना यहाँ पे। अच्छा भाई जाना, टर्बो टर्बो फुल लगाया हुआ है इसमें, 7 स्पीड ऑटोमेटिक, 21 भाई। चलो भाई जान बसा नालो तेज है की जे 7 इधर और 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। गेम ही एंड कर दी भाई ने, गेम उठा दी है भाई ने, डिस्क ब्रेक वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स लगी हुई यहां पे, इसको 40-45 तक ले। उफ यार मेरे बचपन में साइकिल नहीं आती थी इतनी स्पीड यार, वैसे 40-45 अनसेफ है यार, ख्याल किया करो। 21 गियर्स वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक, टॉप मीटर ना फ्रंट और बैक पे है एबीएस के साथ, मीटर सिर्फ रिंग रोड पे मारा करो उसका मत। ये व्लॉग यार ये आ जाएगा कल, कल तो नहीं खैर परसों। तो बाकी ये साहब है कि इनकी आपका कौन सा वेरिएंट है जरा बताएं। सर जी ये ऑल्टो वर्क्स वेरिएंट है इसका, टॉप ऑफ द लाइन मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है ये, ठीक है, और ये टर्बो वेरिएंट आता है, ठीक है, और इसके अंदर एक आरएस आता है और एक वर्क्स आता है, ये वर्क्स जो है ना ये टॉप ऑफ द लाइन है इसका, ये वर्क्स वाला सीन है इसमें, ये कार्बन फाइबर जेन्युइन लगा हुआ है, जेन्युइन कार्बन फाइबर, क्या बात है। और ये वो देख लें आप टर्बो 4WD लगा हुआ है, ये ऑल व्हील ड्राइव गाड़ी है।
क्या बात है, ऑल व्हील है, फिर तो ट्रैक्शन नहीं छोड़ती होगी किसी को। ना ना बिल्कुल जीरो ट्रैक्शन, जीरो व्हील स्पिन आता है इसके अंदर। क्या बात, लाइट्स बड़ी प्यारी, स्मोक की भी जनरल आती है इसकी। ये जनरल इसके अंदर ब्लैक कलर की आती है, कुछ गाड़ी में क्रोम आती है, लेकिन इसके अंदर ये ब्लैक है। ठीक हो गया, माशाल्लाह ब्लैक और ब्लू का कॉम्बो अच्छा लग रहा है। बाकी ये क्या लगाया आपने स्टिकर? अच्छा री कारों का, शशकों के लिए। सही है सही है, ये भी आपने सारा स्टिकरिंग की हुई है यहाँ पे, ब्लेड्स की, वॉल्क रेसिंग वगैरह। नहीं नहीं नहीं, इधर आए इधर आए। अच्छा अच्छा अच्छा, ये जनाब इसके अंदर जो स्टिकरिंग हुई हुई है ना, इसके अंदर सारा ये सामान डला हुआ है, सारा सामान। हाँ सारा सामान, ब्लेड्स का इसके अंदर एयर इनटेक डला हुआ है। ठीक हो गया, वॉक रेसिंग रेस के ओरिजिनल T37 इसमें रिम्स डले हुए हैं। T37 ओरिजिनल रिम्स हैं, कितने जेजे हैं ये? 5.5 जेजे, 5.5। और ये कितने, 15 इंच में? 15 इंच के अंदर, 15 इंच में। और स्लिक्स डले हुए हैं, ये 500 जोन सा ना इसका वो है, 5 kg का ये पूरा एक, 5 kg का रिम है। अच्छा, और स्लिक्स लगे हुए, सेमी स्लिक्स डले हुए हैं, उसकी प्रोफाइल है सेमी स्लिक्स है और साथ ऑल व्हील है, फिर तो भाई वो ट्रैक्शन तो बड़ी बेहतरीन होगी। रिकारो की सीट्स हैं इसके अंदर। अच्छा, और ये जर्मन आती हैं इसकी? हाँ ये जर्मन आती हैं। अच्छा अच्छा, लेकिन बाकी चीज इसमें डाली हुई है। उसके बाद ट्राई फोर्स का इसका ECU ट्यून हुआ है जो। अच्छा, और ये जो गेज लगी हुई है ये डेफिनेटली वो ECU भी अंदर ही आता है कि आपने आफ्टर मार्केट डाला है? नहीं नहीं, वो आफ्टर मार्केट डालना पड़ता है। अच्छा आफ्टर मार्केट डाला है। स्टॉक तो 140 तक ही जाता है। तो ये स्टॉक कितने HP पे थी और आपने कितने HP तक ले गए इसको? स्टॉक आती है 64 HP पे। ठीक है, और इस टाइम तकरीबन 100 के प्लस माइनस में आई है। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह बेहतरीन है। और इसको वेट का बड़ा बेनिफिट है ना, 100 के साथ भी ये कई गाड़ियों को छोड़ती है। गाड़ी जो सी है ना ऑल व्हील ड्राइव की वजह से ये 150 kg भारी है, मतलब आम जो लोकल ऑल्टो है। अच्छा, तो ये तकरीबन ऑलमोस्ट 840 kg की है। अच्छा, तो यही सेटअप आप उसमें डाल दें तो और तेज हो जाए वो, लेकिन वो फिर मजा नहीं कराएगी जो इसमें मजे हैं इसकी, जो क्वालिटी जो है, क्वालिटी इसकी बहुत बेहतर है। ब्रेक्स वगैरह भी अपग्रेड है, एंडलेस की लगी हुई है इसमें। ठीक हो गया ठीक हो गया। और बैक पे एग्जॉस्ट कौन सा है? रोसो मॉड्यूलो का ओरिजिनल जापानीज एग्जॉस्ट है इसके अंदर। अच्छा अच्छा अच्छा, और स्ट्रेट पाइप दिया कैट बैक। ये एग्जॉस्ट कितने का पड़ा था आपको? ये तकरीबन 85,000 के राउंड पड़ा। 85,000 कैट बैक है, कैट अभी डिलीट नहीं की, अभी आपकी गाड़ी तो कितना? हाँ हाँ, शौक आ गया हमें। नहीं कैट कर दें वो, फिर पॉप्स एंड बैंक भी निकला करेंगे। तो कितना खर्चा आपके इसके ट्यून च्यून पे आ गया, कितना लगा दिया आपने पैसे इसके? उसके ऊपर ये बस कभी काउंट नहीं किया। क्या बात है, गबरू भाई की क्या बात है, कुछ ना कुछ चलता रहता है साथ साथ। सही बात है, जैसे आपकी गाड़ी को देख के बड़ी चीजें मेरे माइंड में यार, जैसे वो हैंडल्स हैं वो किया जा सकते हैं, मतलब इस तरह चीजें बंदा सीखता रहता है। हाँ, वो कोई ना कोई किसी ना किसी देख को कभी खत्म नहीं होता भाई, किसी ना किसी की गाड़ी देख के आपको कोई ना कोई आइडिया आ जाता है। बाकी स्पॉइलर कौन सा लगा इस पे? ये स्पॉइलर में कार्बन फाइबर का है, कार्बन का बना हुआ। ये भी यार वो नहीं लगवाया आपने, आजकल ट्रेंड चला हुआ है, यहाँ एक स्ट्रॉक होता है, वहाँ होता है, यहाँ तक गया होता है, यहाँ तक होता है। हम इस पे खुश हैं, हैप्पी हैप्पी। यार वो तो बड़ा अच्छा लगता है, उस पे आप भगाएंगे गाड़ी आपकी बड़ी अच्छी भागेगी, उड़ना शुरू हो जाएगी ना, मैं ये चारों उड़े। वाह यार क्या बात है, बड़ी बेहतरीन है यार। इसकी क्या वैल्यू होगी सर, मार्केट वैल्यू इन सीट्स की? 1,00,000 के राउंड आउट होगी, खाली सीट सीट सब वैसे भी ले ली ना जैपनी। अच्छा अच्छा, तो आप वो देखें जरा, हमने नीचे इसका फुटरेस्ट वगैरह बनाया है, ये चाबी। अच्छा अच्छा, चाबी इसको लटकाने के लिए बनाया है, क्योंकि कीले सेंटर जाती है मल्टी। क्या बात है, ये वो डैफी की बूस्ट। एक एक चीज आपने गाड़ी में देखी है कि जो होनी चाहिए वो की हुई है? नहीं बेहतरीन है। बाकी गेजेस लगी हुई है, गेजेस क्या क्या बताती हैं? ये बूस्ट वगैरह हर चीज जो इसमें टर्बो के लिए आपको रिक्वायर्ड होता है। अच्छा, इसको ऑन करके देखते हैं क्या हिसाब है। बेहतरीन सीन है, और क्या चाहिए, सारा कुछ इस पे आ रहा है। मैंने भी इस तरह फोन लगाया, उसको लिंक किया हुआ है ECU के साथ, लेकिन इसके अंदर सारा कुछ बिल्ट ही नहीं है। हाँ ये तो है ही इसी पर्पज के लिए ना, फिर इसका तो ये फायदा देखना। अभी इसको हल्का सा रेव करते हैं तो ये RPM ऊपर जा रहा है। ओह ये चीज तो मुझे चेक तो कर रहे हैं टर्बो की आवाज, ये इनटेक है ब्लिट्स का, अभी टर्बो की आवाज। गबरू भाई अगर आप पुल मारेंगे जीरो से उठाएंगे? नहीं नहीं चलते हैं, रोल पे उठा लेते हैं, रोल पे चले। ठीक है, ओए होए होए यार, बाकी गाड़ी पुल फील कराती है प्रॉपर, मजेदार सीन है माशाल्लाह। क्या बात है, पुल फील हो रहा है गाड़ी का, बेस्ट सीन है यार। थोड़ा शीशा ऊपर कर ले यार, मजेदार सीन है। बस यार निकल रहे हैं, आप देख सकते हो 6:20 हो गए हैं, तारीख का टाइम हो गया, फ़ौरन घर पहुँचने, घर में अरेंजमेंट किया हुआ है। गबरू भाई अभी बेचारे दूर से आए हैं, उनके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट किया हुआ है तारीख का। शुक्रिया आपने रोजे में इतना टाइम दिया यार। नहीं कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और दिन इंशाल्लाह कल के सैटरडे वाले दिन मिलेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। ओके यार, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलते हैं। ओके, एक दिन छोड़ के एक दिन ये व्लॉग में भी लेना। ठीक हो गया, आ गए आप लोग, वापस आ गए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? ठीक, कितना हो गया यार आपके?
क्या दिन दिन के 200-200 बढ़ते हैं आपके सब्सक्राइबर। आप ये देख रहे होते। बाकी यार आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। अभी बच्चा पार्टी आ गई थी, ज़रा एंजॉय मारने फुल वो ना गप्पे शप्पे के मूड में थे, उनसे गप्पे लगाई हैं बच्चों से। तो अब ये सीन है कि यार बहुत मज़ा आया गबरू भाई के साथ। गबरू भाई कहूँगा उनको मैं, उनका यूज़र नेम भी गबरू के नाम से है तो मैंने भी उनका नाम गबरू भाई रख दिया। तो उनके साथ मज़ा आया, अफ्तारी वगैरह की, गाड़ी उनकी बहुत मज़े की, बड़ा मज़ा मुझे आया गाड़ी में बैठ के। मतलब टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस था, ऐसी मैंने गाड़ी इस कैटेगरी की नहीं देखी इतनी तेज़। बाकी यार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आप भी बताएं आपको कैसी लगी गाड़ी। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। खत्म, बाय बाय, टाटा।